So in this video, I just wanted to have some heart-to-heart conversation with all of my juniors who have either failed MDGET, या उनका MDGET में इतना कम स्कोर है कि they will not be able to get admission in MBBS, and now they are just feeling behind in life. They feel stuck. They don't like themselves the way they are, the situation they are in at the moment, and they just can't accept themselves like this. So if you are in this situation, I am talking to you. I want to start by saying that you are feeling like a failure not because you didn't perform good enough. You are feeling like a failure because you are just in an uncertain education. सिस्टम मेरे पास ये MDGET 2022 का पेपर है एंड इसमें मैं आपसे बायोलॉजी के कुछ MCQs डिस्कस करता हूँ जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड DNA जिसका आंसर पार्वो वायरस था और ये PTB की जो पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें ये MCQs नहीं लिखा हुआ अगेन एक और MCQs है कि द मिडल लेयर ऑफ मेनिंजीज जिसका आंसर अरेक्नॉइड मैटर ये भी PTB की बुक में नहीं लिखा हुआ थर्ड MCQs है कि अकॉर्डिंग टू बायोजेनेटिक लॉ ऑफ अर्नेस्ट हैकल्स ओंटोजेनी रेप्लिकेट्स फाइलोजेनी ये भी PTB की बुक में नहीं लिखा हुआ ये फेडरल की बुक में लिखे हुए हैं जब आपका एक इदारा है जिसने आपको एक प्रॉपर सिलेबस दिया है कि सिलेबस में से आपके पास MCQs आएंगे और जब उस सिलेबस में से MCQs नहीं आते जस्ट बिकॉज कि वो एग्ज़ाम को टफ बनाना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि मेरिट कम रहे और बच्चे कम से कम आए इसका मतलब है कि आप एक जो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम देना उनका एक ट्रस्ट तोड़ रहे हैं एक तरह से वो यकीन ही नहीं कर सकते कि भाई इन्होंने जो एग्ज़ाम का हमें सिलेबस दिया उसमें से एग्ज़ाम आना भी है या नहीं ऐसे तो एक बहुत डाइवर्स नॉलेज है किसी भी एग्ज़ाम की आपने तैयारी करनी होती है आपके पास एक सेट सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं ऐसे अगर पूरा पूल ऑफ नॉलेज आपके पास आ जाए तो कभी भी आप इस एग्जाम को उस तरह प्रिपेयर नहीं कर सकते अब मैं अपनी बात करूं कि मैंने 2015 में MDGET दिया था और उसके अंदर भी आउट ऑफ सिलेबस MCQs आए थे जिससे मेरा रिजल्ट इफेक्ट हुआ था और मुझे उस टाइम याद है कि ये MCQs सिलेबस में नहीं थे और काफ़ी लोगों के अब वो तुक्के पे थे किसी के सही हुए किसी के गलत हुए मेरा भी उससे मेरिट इफेक्ट हुआ लेकिन इतना इफेक्ट नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लाहौर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होकर मैंने MBBS कर भी लिया उसके बाद फर्दर बात करें 2016 में UHS ने MDGET लिया जो कि उन्होंने बहुत आसान बनाया जिससे मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया फिर 2017 में कंट्रोवर्सी बन गई MDGET की वजह से पूरा UHS के अराउंड कि ये एग्ज़ाम के पेपर लीक करते हैं एक पेपर लीक हुआ उसके बाद उन्होंने वो पेपर कैंसिल करके दोबारा रिकंडक्ट किया उनके खिलाफ जो स्कैंडल बना था पूरी इंक्वायरी बैठी और ये प्रूव हुआ था कि UHS जो था वो पेपर सेल करता था फिर उनका जो वाइस चांसलर और जो टीम थी एग्ज़ाम की उनको सस्पेंड किया नई टीम आई उनकी लेकिन इससे एक ये तो प्रूव हो गया ना कि बच्चों का ट्रस्ट तोड़ दिया इन लोगों ने कि ये इतना चीटिंग कर रहे थे उसके बाद फर्दर 2019-2021 में PMC आ गई कि नहीं अब UHS की क्रेडिबिलिटी नहीं है हम लोग एग्ज़ाम लेंगे इन लोगों ने अपना एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जो कि मुझे अच्छा लगा था कि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे थे इंटरनेशनली भी कंप्यूटर पर एग्ज़ाम्स होते हैं इस तरह चलते हैं एग्ज़ाम जैसे USMLE के एग्ज़ाम्स होते हैं कंप्यूटर पर होते हैं और वो चल रहे होते हैं इस तरह इनका मंथली एग्ज़ाम था लेकिन ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए उसमें रीचेकिंग में बहुत ज़्यादा मसला था कुछ बच्चों के उन्होंने अगर MCQ स्किप करते थे तो वो वैसे ही स्किप हो जाता था मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफॉल्ट थे उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी PMC भी एक फेयर अंदाज से MDGET कंडक्ट करने में नाकाम रही उसके बाद क्या होता है पॉलिसी दोबारा चेंज होती है कि नहीं अब UHS दोबारा वही एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा और UHS ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और वो दोबारा आउट ऑफ सिलेबस MCQs देते हैं मतलब वो अपनी जो उनकी एक रवायत थी उसको जारी रखते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि मेरिट कम हो बच्चों के कम से कम नंबर आएँ और इस तरह का जब पेपर आता है आउट ऑफ सिलेबस जिसमें MCQs आते हैं जो टफ करने की कोशिश की जाती है इसमें बहुत ज़्यादा लक इन्वॉल्व हो जाती है कि अब जिस बच्चे ने वो पढ़ा होगा जिसकी मेमोरी रिकॉल स्ट्रॉन्ग होगी एग्जाम में उसका ठीक हो जाएगा बाकियों का गलत होगा तो ओवरऑल जो है मेरिट ना इससे कम होता है लेकिन ये एक अनफेयर तरीका है मेरिट कम करने का ये एक जेन्युइन तरीका नहीं है पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस तरह नहीं होता कि अगर आपने पेपर को टफ बनाना है तो आप उसको आउट ऑफ सिलेबस कर दें आप सिलेबस के अंदर से ही करें सो बेसिकली हु इज़ विनिंग इन दिस सिचुएशन इस अनसर्टेन सिस्टम में जहाँ पर कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं है रूल्स नहीं है पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं इस सारी सिचुएशन में कौन जीतेगा कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो सब कुछ ठीक करेगा और उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा यहाँ पर बात आती है बेसिकली अनफेयर एडवांटेज की जिस स्टूडेंट को अनफेयर एडवांटेज होगा ना वो इस सिचुएशन में सक्सीड करेगा और जिसको अनफेयर एडवांटेज नहीं होगा वो सक्सीड नहीं करेगा मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा हम दो स्टूडेंट की एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसा स्टूडेंट है जो उनका एक बहुत वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है फादर डॉक्टर थे मदर डॉक्टर डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करता है और एक ऐसा स्टूडेंट है जिस जो किसी डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग नहीं करता और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है मैट्रिक में आए दोनों ने मेहनत की अच्छे मार्क्स ले लिए FSC में आए दोनों ने मेहनत की अच्छे मार्क्स ले लिए जब MDGET का टाइम आएगा तो जो ऑब्वियसली अमीर रिच बच्चा होगा वो टॉप की जो अकेडमीज हैं वहाँ पर जाके अपनी एजुकेशन करेगा जो दूसरा बच्चा है वो उसको सोचना पड़ेगा कि वो इतनी इनकी फीसेज होती हैं एक पूरा माफिया है अकेडमीज का वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो वहाँ पर
पर हो सकता है कि तैयारी भी ना कर पाए और वो खुद ऑन हिज ओन तैयारी कर रहा हो, लेकिन मेहनत दोनों बच्चे कर रहे होंगे। अब होता ये है कि जो UHS के MCQs आते हैं आपको एग्ज़ाम में या PMC के आते हैं, ये दोनों UHS और PMC ना कुछ टीचर्स को बुलाते हैं अपने पास कि आप आएँ और हमें ना MCQs बना के दें। तो ये कुछ क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, ये जाते हैं वहाँ पर, ये पेपर बना के ना MCQs बना के उनको देते हैं। लाइक वो पूरी टॉपिक्स में से MCQs बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना वो बना के उनको एक पूरा पूल क्वेश्चन बैंक बना के दे देते हैं। उसके बाद UHS और PMC की मर्ज़ी होती है, उनकी एक टीम होती है एग्जामिनेशन की, वो उस पूल के अंदर से सारे MCQs सेलेक्ट करते हैं और फिर वो ना आपको पेपर में आते हैं। अभी जो सिलेक्टिव टीचर्स हैं ना जो उनसे वहाँ पर MCQs बनाने जाते हैं, ये एक सिलेक्टिव अकेडमीज़ में होते हैं, जो उनसी टॉप अकेडमीज़ जिनके आप नाम सुनते हैं ना लाहौर में हैं, ये टीचर्स ना वहाँ पढ़ा रहे होते हैं। तो इनको पता है कि इस टाइप के MCQs पेपर में आ सकते हैं, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता कि कौन कौन से MCQs सिलेक्ट हुए हैं पेपर के लिए, लेकिन इनको आइडिया होता है कि इस टाइप के MCQs आ सकते हैं। सो बेसिकली जो एक बच्चा है जो बिल्कुल रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जिनके लिए प्रॉब्लम पैसे इशू नहीं है, वो अब टॉप क्वालिटी की टीचिंग वहाँ पर लेगा, वो जिन टीचर से पढ़ा होगा वो बता रहे होंगे उसको कि इस तरह के MCQs आ सकते हैं पेपर में, उसकी तैयारी एक डिफरेंट लेवल की होगी और वो बिल्कुल जो ट्रेंड चल रहे होते हैं एग्जाम के उससे रिलेटेड होंगे। लेकिन जब दूसरा बच्चा है वो मेहनत उसके बराबर ही कर, लेकिन उसको वो इन्वायरमेंट, वो जो ग्रूमिंग है वो उस तरह नहीं मिल पा रही, तो ऑब्वियसली जब एग्ज़ाम इस तरह आएगा जिसमें आउट ऑफ सिलेबस MCQs आ जाएंगे, तो वो जो बच्चा होगा जिसने प्रॉपर उस तरह की इन्वायरमेंट में ग्रूमिंग और अपनी स्टडीज़ की होंगी, उसको अनफेयर एडवांटेज होगा इस सिचुएशन में। अगर वो तुक्के भी लगाएगा तो उसके तुक्के अच्छे सही हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, लेकिन वो जो दूसरा होगा उसके लिए बिल्कुल ही अननोन होंगे, उसके लिए तो वो बिल्कुल उसने पढ़े भी नहीं होंगे इस तरह के। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आती है ना, तो ये एक अनफेयर एडवांटेज होता है जो उसको होता है। अब एक बच्चे को अनफेयर एडवांटेज था जो कि बेसिकली उसकी लक थी और उसके आउट ऑफ सिलेबस भी MCQs ठीक हो गए, उसने मेहनत भी की थी तो उसका एक मेरिट बन गया मेडिकल कॉलेज में। जो दूसरा बच्चा था उसके साथ अनफेयर एडवांटेज नहीं था, तो क्या वो एक फेलियर है? इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक ज़िंदगी का पॉइंट था जिसमें उसको एक अनफेयर एडवांटेज था। आपको भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर कोई अनफेयर एडवांटेज ज़रूर होगा, लेकिन वो इस पॉइंट पर नहीं था, कहीं और होगा। सो इट डज़ नॉट मीन के यू आर एन ईवल पर्सन या आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरी ह्यूमन बींग इज़ स्पेशल, एवरी ह्यूमन बींग इज़ यूनिक, और अल्लाह ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ प्लान सोचा होता है। ये जो प्लान था ये उसके लिए था, जो आपके लिए जो प्लान है वो अल्लाह ने सोचा होगा, लेकिन वो आपको भी नज़र नहीं आ रहा, एंड वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके लिए अनफोल्ड होगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 times, 4 times रिपीट करते हैं और उनका फिर एडमिशन होता है। कुछ होते हैं 2-3, 4 times रिपीट करते हैं लेकिन फिर भी उनका एडमिशन नहीं होता। सो हर किसी की ना एक स्टोरी डिफरेंट है, अल्लाह ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लिखा है, और जो आपके लिए लिखा है जिस टाइम पर लिखा है आपको उसी टाइम पर मिलना है, उससे पहले नहीं मिल सकता। कुछ लोग होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम में ही उनका एडमिशन हो जाता है, कुछ लोग होते हैं कि नहीं उनका 4-5 times पे जाके होता है। सो यू नेवर नो, इन सब बातों को लेकर ना आपको डिप्रेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ एट दिस मोमेंट इज़ कि आप डिप्रेस हो जाएं, आप अपने आपको एक फेलियर समझें, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं समझा। अगर आपने अपनी पूरी मेहनत की थी, आपने अपनी पूरी एफर्ट डाली थी ना, और उसके बावजूद नहीं हुआ, तो आपने बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट की थी ना। अभी जो मामला है ना, ये आपके और अल्लाह के दरमियान है, तो अल्लाह ताला किसी को भी कभी भी मायूस नहीं करते। हो सकता है कि उसकी जो रहमत है वो देर से आपके ऊपर आए, लेकिन वो आती ज़रूर है, और जब वो आती है ना, फिर आप खुद सोच रहे होते हैं कि यार मैं भी डिप्रेस था उस टाइम पे। ऐसा काफ़ी दफ़ा मैंने लोगों के साथ होते हुए देखा है, जिन लोगों ने 3-4 times रिपीट करके एडमिशन लिया, तो दे एक्सेप्ट के हाँ मैं भी उस टाइम पर डिप्रेस हो रहे थे, लेकिन हमारा टाइम किसी और टाइम पर लिखा हुआ था। सो आई रियली वॉन्ट कि आप ये पॉइंट को लाजमी समझें कि वट एवर हैपेंड यू आर नॉट अ फेलियर, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और आपने बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना। ये बेसिकली सिचुएशन ऐसी है कि आप खुद तो परेशान होते ही हैं, लेकिन ना आपके ऊपर ना एक थोड़ा फैमिली प्रेशर भी होता है, आपके पेरेंट्स आपसे थोड़ा मायूस हो जाते हैं कि ये इसने सही तरह पढ़ा नहीं था, इसकी तैयारी नहीं सही थी, इस वजह से इसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उनको नहीं अंदाज़ा होता कि MDK शफल कर रहा है, PMC UHS के दरमियान सिलेबस बार बार चेंज हो रहा है। अगर लेट्स सपोज आपने रिपीट किया था, तो अगर रिपीट किया था आपने और सिलेबस अगर चेंज हो गया, तो वो रिपीट का आपको इस तरह प्रॉपर एज नहीं मिल पाता। रिपीट करने का फ़ायदा मुझसे तब होता है जब आपने सिलेबस कॉन्सेंट रहा हो, या जो एग्ज़ाम ले रहा हो कॉन्सेंट रहा हो, और आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो कि अच्छा ये एग्ज़ाम का पैटर्न था, इस पैटर्न पे इस तरह के मुश्किल MCQs आते हैं, और आप बस ना अपनी जो
स्टडी है उस पर फोकस करके अपना नॉलेज को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी मेमोरी रिकॉल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो फिर आपको रिपीट करने का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर एक एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी ही चेंज हो जाए, उनका सिलेबस ही चेंज हो जाए, तो फिर आपको ना उस तरह प्रॉपर फ़ायदा नहीं हो पाता। लेकिन ये पेरेंट्स इस तरह नहीं समझ पाते, फिर बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन भी नहीं होती, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो मतलब किस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और ये एग्ज़ाम बेसिकली है किस तरह का। उनकी बस एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, उनको नहीं पता होता। लेकिन जो इस फील्ड में होते हैं, लाइक मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है कि कितना स्ट्रेस होता है और ये किसी को एक्सप्लेन करना भी कितना मुश्किल होता है कि ये किस तरह से यूएचएस का ये सारा प्रॉब्लम चल रहा है और आप किस तरह से एमडी के डिले हो के आप दे रहे हैं, तो कितना स्ट्रेस है। ये जो इस फील्ड में होता है वही समझ सकते हैं, या आपके फ्रेंड समझ सकते हैं। सो इस पॉइंट पर ना आपको एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है इस सारे प्रॉब्लम में, तो आपके लिए ना इस सारे सिचुएशन से कोप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने उन फ्रेंड से बात करें जो कि सपोर्टिव है, जो समझ सकते हैं आपको कि आप खुद किस तरह की फीलिंग है आपकी इस वक्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान खुद परेशान होता है इस सिचुएशन को लेके ना, लेकिन उसके ऊपर से जो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उसे और परेशान कर देती हैं। अब मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली होती है, उनको नहीं पता होता कि बच्चा किस तरह पढ़ रहा है थ्रू आउट द ईयर, वो बिल्कुल गायब होते हैं। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो वो सब आ जाते हैं वहाँ पर कि हाँ जी किस तरह का रिज़ल्ट था, किस तरह की आउटपुट आई है। तो ये चीज़ें और ना नर्वस करती हैं आपको। आई कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। मैंने बहुत ज़्यादा अपने जूनियर्स को देखा है, मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि इस तरह वो परेशान है, तो पेरेंट्स नाराज हैं इस टाइप का, तो वो इतना दुख होता है ना मुझे। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट के कोई पेरेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहें। आप उनसे पूछें कि क्या कहाँ पर गलती रहेगी, कहाँ पर लक फैक्टर था या तैयारी किसी तरह से कम थी, जो भी इशू था ना, आप उनके साथ सपोर्टिव रहें और आप कोशिश करें कि आप उनको ना हेल्प आउट करें कि इस सिचुएशन से कोप करने के लिए। लाइफ इज़ सिंपली अनफेयर। कौन कहता है कि लाइफ फेयर है? कोई भी नहीं कहता। You may lose 1 year, you may lose 2 year, but the most important thing is that you don't lose yourself. The only thing that matters is that you live a life that make you feel fulfilled. अगर आप ज़िंदगी में फुलफिल्ड ही नहीं फील करेंगे तो फिर इस तरह की ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीका? अगर आप डिप्रेस रहेंगे अपने आप से, ही आप खुश नहीं रहेंगे। वैसे भी ज़िंदगी फ्रेजाइल है, अनप्रडिक्टेबल है, कोई भी नहीं कह सकता कि वो 5 साल बाद यहाँ पर होगा, 10 साल बाद यहाँ पर होगा, 20 साल बाद उसकी ये अचीवमेंट्स होगी, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये अनप्रडिक्टेबिलिटी है सारी। हम प्लान करते रहते हैं लेकिन एक अल्लाह प्लान करता है, और जो ऑब्वियसली अल्लाह के जो प्लान होते हैं वही प्रिवेल करते हैं। सो अगर आप इस सब सिचुएशन में हैं और आपका एमडी गेट में मार्क्स कम आए हैं, एडमिशन नहीं बन रहा, तो मैं आपको एक 6-step प्रोसेस बताता हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपने आगे चलना है। सबसे पहले तो आप देखें कि इज़ देयर एनीथिंग इमीडिएटली आप कर सके जिससे ये रिज़ल्ट रिवर्ट हो सके। ऐसा नहीं है, आपका रिज़ल्ट आ चुका है, ऑफिशियली रिज़ल्ट हो गया, अभी आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड पे आप थोड़ा स्टेप बैक करें, रिलैक्स करें, अपने इमोशंस को एनालाइज करें और उनको ना ओवरकम करने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी इमोशनल ट्रामा होता है और इससे ना बाहर आने की कोशिश करें। इमोशनल होकर आपने बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, जस्ट अपने ना सबसाइड करें इमोशंस को। थर्ड पे यू हैव टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ फेलियर, कि वो कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से आपका एमडी कैट अच्छा नहीं हुआ, आपके मार्क्स कम आए। आइदर फर्स्ट वजह ये हो सकती है कि आपने बुक सही तरह नहीं पढ़ी थी, पीटीबी की या फेडरल की, आपने जो भी बुक पढ़ी उनकी जो बुक की लाइंस थी वो आपको नहीं याद थी, पेपर में आपको जो एमसीक्यूज बुक की लाइंस आ रहे थे वो आपको नहीं रिकॉल हो रहे थे, आपकी मेमोरी रिकॉल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से आपके एमसीक्यूज गलत हुए। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपको बुक याद थी लेकिन उन्होंने बुक की ही लाइंस को चेंज करके कॉन्सेप्ट सेम रखा, लेकिन उन्होंने वर्डिंग चेंज की और आपको थोड़ा सा घुमाया पेपर में और आपको बिल्कुल वो एमसीक्यू पिक नहीं हो सका, आपसे गलत हो गया। तीसरी वजह ये हो सकती है जो कि काफ़ी बच्चों ने मुझे कही है कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आए हुए थे, तो उसमें बाप का अनफेयर एडवांटेज लक फैक्टर था, जिसकी लक थी साथ में उसके सही हो गए, जिसकी नहीं थी उसके गलत हो गए, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। चौथी वजह ये हो सकती है कि आपने सही तरह पढ़ा नहीं था, आप टेस्ट जो थे अकेडमीज़ वगैरह में जहाँ पर भी आप तैयारी कर रहे थे, आप प्रॉपर टेस्ट फोकस नहीं करते थे, आप मतलब के रेगुलर नहीं थे, आप सीरियस नहीं थे इस चीज़ को लेके, और आपने कहा हुआ था कि नहीं बस हो जाएगा लक बेस्ड, आपने इसको थोड़ा रखा हुआ था लेकिन वो लक आपके उस एग्ज़ाम में नहीं साथ दी। पाँचवीं वजह ये हो सकती है कि आप नर्वस हो गए एग्ज़ाम में, आपको जब पेपर आया तो वो शुरू में मुश्किल एमसीक्यू आया जिसकी वजह से आप नर्वस हो गए, आपका टाइम उन पर ज़्यादा लग गया, या आप ज़्यादा सोचने लग गए, या फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया उनकी वजह से और आप पूरा पेपर सही तरह नहीं कर सके। तो ये काफ़ी 5-6 वजूहत हो सकती हैं। तो अब आप एनालाइज़ करें कि इसमें से कौन सी वजूहत आपके साथ हुई हैं, तो अब आपने फर्दर क्या करना है। नेक्स्ट यू नीड टू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, कि आपने फर्दर फ्यूचर में क्या करना है। इधर आप एमडी कैट रिपीट करेंगे, जो आपकी डेफिशिएंसी थी प्रिपरेशन में, जो आपकी मिस्टेक्स थी, आप उसको करेक्ट करेंगे और नेक्स्ट ईयर दोबारा फाइट करेंगे टू सिक्योर एन एमबीबीएस
MBBS सीट, या फिर आप सेकेंडली मूव ऑन करेंगे आप जो मेडिकल अलाइड की बहुत ज़्यादा फील्ड, आप उसमें से किसी फील्ड में एडमिशन लेंगे लाइक DPT, DPharm, DVM, फिर ऑप्टोमेट्री, ऑडियोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, इतनी ज़्यादा फील्ड हैं, न्यूट्रिशन भी आती है, तो आप इनमें से किसी फील्ड में अपना एक करियर बनाएंगे, या थर्डली आप मेडिकल से रिलेटेड फील्ड ही चेंज कर लेंगे, आप किसी और फील्ड में चल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन। तो आपने फर्दर जो भी करना है यू नीड टू कम अप विद अ प्लान ऑफ एक्शन। उसके बाद फिफ्थली हम बात करते हैं कि जो आपका प्लान ऑफ एक्शन है आपने उसको एग्जीक्यूट करना है विद बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज़। आपने एक्सेप्ट कर लेना अपने आप को, समझाना है कि हाँ आप जो मैंने एक प्लान सोचा है उसी को मैंने एग्जीक्यूट करना है, और उस पर ना इतफा करना है, उस पर भरोसा करना है कि हाँ अल्लाह ने मेरे लिए यही सोचा है, यही मेरे लिए बेस्ट है, और उसको एक्सेप्ट कर लें दिल से, और कोई रिग्रेट ना रखें और मूव ऑन करें उसके साथ। और लास्ट पे इस सारे प्रोसेस में अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है लाइक योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, या आपको इंस्पायरेशन चाहिए आपको, तो आप वो आस्क फॉर हेल्प अपने फ्रेंड से कहेंगे मुझे सपोर्ट करें, फैमिली को कहें कि सपोर्ट करें आपको इस सारे डिसीजन में, क्योंकि थोड़ा टफ टाइम होता है कि आपने अपने कैरियर के बारे में आप डिसीजन ले रहे होते हैं, और दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज, आपको हर तरह के लोग मिल जाते हैं, आप कोई भी नई फील्ड के बारे में अगर एक्सप्लोर करना चाहें उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स दुनिया में मौजूद हैं, आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। मी माई सेल्फ, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, तो मैं मोस्टली जो MBBS के करियर को परसू कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट उनको परसू कर रहे हैं, तो मैं आई कैन बी अ गाइड फॉर देम। तो आप इस तरह के लोगों को ढूंढें, आस्क फॉर देयर हेल्प एंड देयर सपोर्ट, और आप होपफुली ये 6 प्लान ऑफ एक्शन को फॉलो करेंगे तो यू विल कम आउट ऑफ दिस फेलियर, जो कि आपको टेम्प्ररी लग रहा है लेकिन इट इज़ नॉट अ फेलियर, ये एक जस्ट सेकेंड चांस है, एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ताला ने आपको कहा कि आप इसको एक्सप्लोर करें, एंड आई एम श्योर कि आप इसके बारे में ज़रा सोचेंगे। नेक्स्टली मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने लिखा था कि सारे MDCAT एस्पिरेंट्स के कोई भी क्वेश्चन है MDCAT से रिलेटेड तो वो उस पर मेंशन करें, मैं अपनी वीडियो में आंसर करूंगा। और मैंने अपने YouTube पे भी कम्युनिटी पोस्ट की थी और उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने MDCAT से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए थे। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना उन सब क्वेश्चंस को आंसर करते हैं जो आप लोगों ने पूछे हुए, एंड आई थिंक कि आप लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू से के होप सो मेरी इन सब बातों से, एक कन्वर्सेशन से आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा, एंड यू आर इफ़ गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, आप डिप्रेस हैं तो आपकी एनजाइटी या डिप्रेशन थोड़ा कम हुआ होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन लाल माइटी एंड हिज प्लान्स, एंड आई एम श्योर कि ये एक टेम्प्ररी फेज ऑफ योर लाइफ एंड नॉट योर होल लाइफ, एंड मूविंग फॉरवर्ड लाइक 4 to 5 ईयर्स डाउन द लाइन आप सोच रहे होंगे कि हाँ एक फेज था बस गुजर गया, आप भूल भी जाएंगे इस सबको। इस पॉइंट पे ना आपको ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है, आपको फील हो रहा होता है, लेकिन अगर आप जूम आउट करें ना इन सबसे तो ये जस्ट एक इवेंट है इन योर लाइफ। हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, लेकिन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ये एक बस एक इवेंट था कि आपका होना था गुजर गया। सो आई जस्ट थिंक इसको लाइटली ईजी लें, एंड लव योर सेल्फ, अपने ऊपर यकीन रखें कि यू डिज़र्व लव। आपने मैट्रिक की, FSC की, MDCAT इतने ट्रामेटिक इवेंट से टाइम से गुजरे ना आप, तो जस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ, आपको थोड़ी सी सेल्फ लव की ज़रूरत है, एंड अपना थोड़ा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, and I'll see you on the other side. Goodbye, take care.